उषा पटेल गार्डनिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेड प्लांट के बारे में कि जेड प्लांट को घना कैसे बनाएं, उसको कौन सी खाद कैसे पानी देना है और उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि आज इतनी गर्मी है, मई की आज कौन सी 17-18 या कुछ ऐसी तारीख ही है और इतनी गर्मी है। हम जहाँ रहते हैं पाटन शहर को हमारे इंडिया का सबसे गर्म शहर जाहिर किया है, पेपर में भी आया था कि बहुत गर्मी है, और तो भी आप देख सकते हो कि ये मेरा जेड प्लांट कितना घना है। एक बड़ा सा पेड़ का रूप उसने ले लिया है और वज़न भी ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से वो नीचे गिर रहा है, तो मुझे भी उसको सहारा भी देना है। तो पहले इस प्लांट को लकी प्लांट, सुप प्लांट भी माना जाता है, बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, इसी वजह से भी इस प्लांट को हमें हमारे गार्डन में ज़रूर से ऐड करना चाहिए। दूसरा, ये प्लांट इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है, उसका कोई नखरा नहीं है। खाद दे नहीं दो, पानी दो, धूप हो नहीं हो, तो भी ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है इजीली आसानी से चलने वाला प्लांट है, आपको उसको बहुत ऐसी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला आती है मिट्टी। तो जब ये प्लांट एक तो सर्कुलर फैमिली से बिलिंग करता है, वो अपने पत्तों में पानी को स्टोर करता है, इसीलिए हमें खास उसकी मिट्टी जब बनाते वक्त हमें खास ध्यान रखना है कि बहुत अच्छी सी भुरभुरी मिट्टी बनानी चाहिए, वेल ड्रेन मिट्टी बनानी चाहिए कि इसमें पानी ठहरे नहीं। और कटिंग से इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, आप उसमें देखोगे कहीं भी छोटी सी छोटी कटिंग लगा दोगे तो भी वो इजीली ग्रो हो जाती है। मैं जब भी उसको यहाँ जहाँ से भी कटिंग करती हूँ, एक भी कटिंग फेंकती नहीं हूँ और अपने गमले में उसको लगा के रखती हूँ। तो आप, मैं आपको दिखाऊँ, देखो तुरंत जड़ आ जाती है, तो इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। जब हम प्लांट को कटिंग लगाते हैं तभी हम आपको आधा मिट्टी और आधी सैंड लगा के कटिंग से ग्रो करो तो आपको अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा और जल्दी से ग्रो हो जाएगा। ये मेरा मदर प्लांट है, आप देख सकते हो दो या ढाई साल में इतनी कितनी अच्छी सी ग्रोथ हुई है। और जहाँ जहाँ मैं उसको देखो, यहाँ मैंने अभी 15 दिन पहले ही उसके यहाँ पिंचिंग की थी तो भी इतने सारे ढेर सारे यहाँ से निकल आए हैं। मुझे नीचे नहीं चाहिए इसलिए मैं यहाँ से उसको कटिंग कर देती हूँ, और इतनी भी छोटी छोटी कटिंग में जहाँ भी जगह है यहाँ गाड़ देती हूँ तो सारे प्लांट मेरे तैयार हो जाते हैं। तो आप इसको बस वेल ड्रेन मिट्टी बनाओ और पानी का खास ख्याल रखो कि जब भी आप इसकी मिट्टी सूखे नहीं तब तक उसको आप पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी दोगे तो भी ये सर्कुलर फैमिली से प्लांट है तो अपने पत्तियाँ को पीली बना के गिरा देगा, और आप कम पानी दोगे तो क्या होता है, पत्तियाँ पतली सी हो जाती है, और बार बार आप जब कम पानी ज़्यादा पानी दोगे तो हमारा प्लांट ऐसे करने से शौक में आ जाता है और फिर अपनी पत्तियाँ को गिरा देता है। तो आप गार्डनिंग में पानी देने का भी सीख जाओ कि अपने प्लांट में कितना पानी चाहिए, तो अभी आप एक अच्छे गार्डनर बन सकते हो। फिर आता है खाद। तो जब हमें उसको साल में जब एक बार अच्छी सी वेल ड्रेन मिट्टी बनाई है तो बार बार हमें खाद देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको साल में दो बार अच्छे से गुड़ाई कर दो। मुझे इसको रिपोर्ट भी करना है क्योंकि बहुत सारी इसमें जड़ बन गई है, और जब पानी देती हूँ तुरंत इसमें सूख जाता है और आप देख सकते हो कि कितना वो बड़ा होकर नीचे लुढ़क गया है, तो मुझे इसको रिपोर्ट भी करना है। तो आप साल में दो बार फेब्रुआरी या अगस्त में दो बार साल में अच्छे से गुड़ाई करके कोई भी कंपोस्ट डाल दो कि वर्मी कंपोस्ट है, गाय का गोबर है और सड़ी हुई गोबर की खाद है, अपने किचन वेस्ट है, कोई भी खाद आप उसको अच्छे से साल में दो बार दो दोगे और तो उसको खास ऐसे कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपका प्लांट तभी भी इतना करने से अच्छे से ग्रो नहीं होता, घना नहीं बनता है, तो आपको क्या करना है,
अब जब चाय पत्ती यूज की हुई चाय पत्ती है तो 2 महीने में एक बार एक एक मुट्ठी आप अपने गमले के हिसाब से डाल दो। और आप यूज़ की हुई नहीं फ्रेश ऐसी चाय पत्ती है तो मैं ऐसा क्या करती हूँ, 2 महीने में एक बार अपने प्लांट में ऐसे एक एक चम्मच दे देती हूँ। तो इससे क्या होता है, सॉइल को एसिडिक भी बनाता है, नाइट्रोजन भी मिलता है और हमारा प्लांट खुश रहता है। इतना करने से भी आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आज ये चौक है, चौक का एक टुकड़ा लेके आप अपने प्लांट में ऐसे गाड़ दो। आप इसको पानी में भिगो के भी दे सकते हो, और पानी में नहीं भिगोना है तो आप अपने एक गमले में एक एक चौक ऐसे ही गाड़ दो। जब जब हम पानी डालते रहेंगे हमारा चौक गीला होके हमारे प्लांट को खाद देता रहेगा। और फ्री का ऐसा नाइट्रोजन दोगे अपना प्लांट अपने आप इतना अच्छे से ग्रो करेगा। आप देख सकते हो मेरा कितना बड़ा प्लांट हो गया है कि जैसे एक बड़ा सा पेड़ का रूप ले लिया है। और इसको ध्यान आकर्षित करने वाला पौधा भी माना जाता है, क्योंकि ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है आपको आप चाहो इसी आकार में उसको आप बना सकते हो। तो जैसे एक पेड़ का रूप है, मैंने देखो ये दरवाज़ा बनाया है, उसको पेड़ का भी रूप दिया है। इसको एक आप इसको पेड़ बनाओ, टोपियारी बनाओ, कोई भी बोनसाई बनाओ, मन चाहे आकार में ढलने वाला ये प्लांट है। और आपको इसको ऐसा घना बनाना है तो क्या करना है, उसको बार बार पिंचिंग करना है। यहाँ देखो मैंने यहाँ जब भी देखती हूँ मैं यहाँ पिंचिंग करती रहती हूँ। जैसे ये ऊपर की आप टोच की 2 पत्तियाँ को काट दो तो क्या होता है, एक में से अनेक प्लांट अनेक इसमें नई नई डालियाँ फूटती रहती है और हमारा प्लांट घना बनता रहता है। तो कुछ नहीं करना है, पानी का खास ख्याल रखो, साल में 2 बार खाद दो और बार बार अपने प्लांट को पिंचिंग करते रहो। बस इतना सी ख्याल रखोगे तो भी अपना प्लांट जंगल के जैसा घना बन जाएगा और आपके पास इतनी ढेर सारी कटिंग तैयार हो जाएगी कि आप कटिंग को बांटते बांटते थक जाओगे। मैंने भी इतनी ढेर सारी कटिंग तैयार करके अपने आस पास में सबको बाँट दी है। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।